हमारे यहाँ 12 बजे पहले चुकता, 20 से 25 पीस खत्म हो जाता है। 20 से 25 पीस 12 बजे से पहले खत्म हो जाता है। 10 बजे 10:30 बजे स्टार्ट हो जाता है, 3:30 बजे तक लास्ट हो जाता है। 3:30 बजे तक खत्म, पूरा खत्म हो जाता है। मतलब नहीं, रांची एकदम नंबर वन है, काफी अच्छा टेस्ट है। और यहाँ पे देखिए दीवानगी यहाँ पे, और ये देखिए देसी झारखंडी स्टाइल यहाँ पे लोगों के लिए सर्व किया जा रहा है। और ये देखिए क्या रोगन है, जबरदस्त का रोगन है। और यहाँ झारखंड में तो फेमस ये है, बाहर से भी फेमस, पुर हो गया, पटना हो गया, आपका छत्तीसगढ़, दिल्ली, इतना इतना दूर से लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। अच्छा, यहाँ पे मटन खाने करना होटल का, तो सुबह की शुरुआत मटन के साथ आप लोग के लिए हाजिर हो गए फिर से नया जायका और नया टेस्ट के साथ। और यहाँ पे देखिए जादू दिखाते, ये एक पतीला, ये दो पतीला, ये तीन पतीला, ये जो पतीला सारे दिख रहे हैं, ये सारे में आज मटन बनने वाला। और मैं हूँ अभी झारखंड की राजधानी रांची में। तो दोस्तों फिर से, तो इसमें लगभग क्या क्या डालते हैं? ये अभी है, प्याज है पीसा हुआ। अच्छा, ये प्याज है, प्याज प्याज का डाला जाता है। नहीं भैया, भुंजा के इतना काला की। अच्छा, भुंजा के मतलब अलग स्टाइल बनाते हैं। और क्या क्या डालते हैं लगभग इसमें? इसमें बहुत मात्रा लगा हुआ है। अच्छा, लगभग क्या क्या डाला इसमें? बना दिया हल्दी, अच्छा गरम मसाला, मीट मसाला अभी डलाएगा, अच्छा पैकेट वाला, इसमें जीरा धनिया उनिया सब डला दिया है। अच्छा अच्छा, तो लगभग आज कितना क्वांटिटी में मटन बनता है आपके यहाँ? दिन का हिसाब से बनता है। अच्छा, दिन के हिसाब से बनता है। दिन का हिसाब से जैसे संडे को मान के चलो सबसे ज्यादा बनता है। संडे सबसे ज्यादा बनता है, सबसे ज्यादा बनता है। अच्छा, तो मतलब कहेंगे तो रांची का सबसे फेमस तो आप ही का मटन है ना? हाँ जी। चलिए, तो ये देखिए यहाँ पे मसाले की जो तैयारी है ना, और रांची का जो सबसे फेमस होटल बोलते हैं ना, तरना होटल में मैं अभी उस वक्त इस जहाँ में मौजूद हूँ। और ये देखिए यहाँ पे भी मसाला का तैयारी चल रहा है, मटन बनेगा इसमें भी, और इस पतीले में भी मटन बनेगा। मतलब कहने के लगभग यहाँ पे रोजाना का मटन 100 से 200 किलो एक दिन में ऊपर ही बन जाता है। और तैयारी देख सकते हैं आपके सामने है। और ये जो अगर आप लोग भी हैं रांची में रह रहे हैं या मजा नहीं लिए मटन खाने का, तो आइए और हमारे साथ मटन खाइए और देख सकते हैं गर्मा गर्म। और दूर से देख रहे हैं, कहीं बाहर से देख रहे हैं, तो एक बार आइए रांची और सन्ना होटल का मटन टेस्ट करिए, क्योंकि यहाँ का जो स्वाद है और यहाँ का टेस्ट काफी अनोखा और काफी अलग अंदाज से यहाँ पे मटन को सर्व किया जाता है। तो हमारे साथ बनेंगे रहेंगे। और ये देखिए, और सारे मसाले के साथ हल्के से जो इसमें पानी डाले गए हैं ना, और जो मसाले के सुगंध और मिठास जो मिल रही है मुझे, वो यहाँ का जो बोलते हैं बेहतरीन लाजवाब स्वाद मसाले का। और ये देखिए हल्के से और पानी गिर रहा, हम बोलते हैं ना समुंदर मटन राज होने वाला यहाँ पे, और यहाँ पे मटन का समुंदर होने वाला है, तो काफी मजा आने वाला है। और तो खाने के लिए हम मसाले को मिलाया और चढ़ाया यार जगत तरीके का, जो खुशबू है ना मसाले की एकदम ओरिजिनल। मसाला सारा कहाँ का रहता है आपका? घर का रहता है भैया, दुकान का रहता है। सब मसाला घर का, बाहर का कोई यूज नहीं करते? बाहर का रहता है मीट मसाला। अच्छा, बाहर का सिर्फ मीट मसाला। हाँ, खुशबू से पता चल रहा है कि सब मसाला आपका घर का, क्योंकि घर का मसाले में जो खुशबू और मिठास जो रहती है अलग बोलते हैं स्वाद और अलग। देखिए मसाला धीरे धीरे इधर पूरा दम गाढ़े पूरा गाढ़ा रहता है, पूरा दम गाढ़ा रहता है। क्या बोले? 2 घंटा भूंजेंगे अभी। अच्छा, 2 घंटे फिर मसाले को भूंजेंगे? मसाला को भूंजेंगे। अच्छा, मतलब बेहतरीन तरीके से यहाँ पे मसाले को मतलब अच्छा बोलते हैं पकाया और दम गिराया जाता है अच्छे से बनिए। देखिए और इसमें भी देखिए यहाँ पे भी है मटन, और यहाँ पे भी अभी मटन का तैयारी हो रहा है, एक साथ सारा लॉट दम तैयार होने वाला मटन। और ये देखिए यहाँ पे मटन की तैयारी हो रहा है, और यहाँ पे भी मसाला भुंजा रहा है, और यहाँ पे मतलब ये सारे पतीला है इसमें मटन का जो बोलते हैं ना समुंदर सारे में दम होने वाला है। और ये तो लगभग कितना साल पुराना आपका दुकान हो जाएगा यहाँ पे? ये 5 साल पहले। 5 साल पुराना दुकान? 5 साल पुराना। 5 साल पुराना दुकान है। कहाँ से आते खाने के लिए? खाने के लिए तो भैया बहुत दूर दूर से आते हैं, लगभग जमशेदपुर हो गया, पटना हो गया, आपका छत्तीसगढ़, दिल्ली, इतना इतना दूर से लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। अच्छा, यहाँ पे मटन खाने करना होटल का तो फेमस है ये है। अच्छा, बाहर स्टेट में भी फेमस? क्या बोले? बाहर स्टेट से भी है बहुत, झारखंड से तो आते हुए हैं खाने के लिए, लेकिन बाहर से भी आते हैं बहुत। झारखंड में तो फेमस है ये है, बाहर से भी फेमस है, बाहर में भी लोग आते खाने, बाहर में भी आते। मतलब मसाले को यहाँ पे बेहतरीन तरीके से लगातार ढूंढा और दे जा रहा है, ये एकदम बेहतर तरीके से। तो दिन भर में कितना मटन बनता है लगभग? अब 4 डेग आज बन रहा है। अच्छा, 4 डेग बनता है? 4 डेग आज बन रहा है, 4 डेग यहाँ पे मटन आज बनेगा।
इसी तरीके से पतल में खिलाया जाता है। अच्छा, मतलब पत्तल में खिलाया जाता है। हाँ, सखुआ का पत्ता है। अच्छा, ये सखुआ का पत्ता में खिलाया जाता है। और मटन के साथ क्या क्या खिलाते हैं? मटन के साथ फिश भी रहता है, फिश राइस। अच्छा, और वेज में रहता है दाल भात भुजिया। दाल भात वेज में भी ऑप्शन है? हाँ, वेज में भी ऑप्शन है। कितने बजे तक मटन यहाँ मिलता है? मिलता है भैया 10 बजे, 10:30 बजे स्टार्ट हो जाता है, 3:30 बजे तक लास्ट हो जाता है। 3:30 बजे तक खत्म, पूरा खत्म हो जाता है। मतलब इस तो दीवानगी सोचिए, अगर आप लोग भी रह रहे हैं कहीं से, दूर से भी देख रहे हैं तो खाना चाहते हैं, मतलब स्वाद देते बढ़िया, पूरा एक नंबर स्वाद मिलेगा आपको। चलिए, यहाँ पे मटन की तैयारी चल रही है, और ये देखिए यहाँ पर भी मटन की तैयारी चलती है। ये मटन बोलते हैं ना, लगातार मतलब लगातार एक साथ तीनों मटन तैयार है। हाँ, चार वो बनेगा। अभी हम लोग का चार पतीला बन रहा है भैया। अच्छा, यहाँ पे अभी तीन है? तीन है, अंदर में एक है। अंदर में लगातार एक ही साथ, लगातार एक ही साथ बनेगा, और एक ही टाइमिंग में बनेगा। अच्छा, एक ही टाइम, मतलब लगातार एक ही टाइम रेडी में हो जाएगा। और ये देखिए, और टाइमिंग में क्या रहता है? हाँ भैया, एड्रेस 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 दला दिल्ली चौक, रिंग रोड, धोनी फार्म हाउस के बगल में। रांची के पास मिलने वाला, ये देखिए रांची के पास मिलने वाला। देखिए लगभग जो मसाले की जो तैयारी है ना, तो लगभग कितना मिनट हुआ? एक घंटा हो गया। एक घंटा हुआ, ये एकदम बेहतरीन तरीके से ना मसाले को पकाते, एकदम प्रॉपर 2 घंटा पकाना है। हाँ, और ये क्या डाल रहे? टमाटर डाल रहे। टमाटर डाल, अलग रेसिपी, अलग टेस्ट, और अनोखा बोलते हैं ना अंदाज वाला स्वाद, वो आपको तो बोलते हैं ना झारखंडी देसी स्टाइल वाला। और ये देखिए एकदम लगातार यहाँ पे, और ये देखिए यहाँ पे मटन की तैयारी हो रही है, और यहाँ पे लगातार तीन पतीला आज मटन बनने वाला है। तो लगभग कितना डालते हैं टमाटर? टमाटर अपना अंदाज से डालते हैं, मतलब मटन में स्वाद आ जाए टमाटर का। जो 2 घंटा था ना मटन का सफर, मसाले का जो सफर, लगातार इसे भूंज कर अच्छे से पका दिया गया। और ये देखिए यहाँ पे फ्रेश फ्रेश मटन आ चुका है। और ये देखिए इसमें मटन, ये देखिए एकदम देसी बोलते ना, देसी खट्टी मटन आपको एकदम मिलने वाला। सारा पीस खिलाएगा एकदम? हाँ, जो पीस डिमांड कर, वो पीस आप चाहे वो पीस खा सकते हो, एकदम मिलने वाला एकदम। ये देखिए खस्सी का कैसा रहता है? देसी 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 प्योर देसी रहता है। बड़ा बड़ा एकदम देखिए, पीस का साइज चेक करें आप, एकदम बड़ा बड़ा आपको एकदम पीस दम खाने मिलेगा एकदम पत्तल के साथ। और लगभग एक पीस कितने ग्राम का होगा? एक पीस कितने ग्राम का रहता होगा आपका? हाँ, पीस कितने ग्राम का रहता होगा आपको लगभग? 150 ग्राम। 150 ग्राम साइज से पता चल रहा है, देखिए काफी एकदम बड़े बड़े आपके यहाँ पे एकदम। और साफ सफाई की मैं बात करूँ ना तो पूरा, ये कौन सा मसाला डाल रहे थे? कौन सा मसाला? गरम, ये गरम मसाला। ये देखिए मटन डालने के बाद इसमें गरम गरम मटन पे, ये देखिए गरम गरम मसाला इस पे पटका जा रहा है गजब तरीके से, और स्वाद काफी बढ़िया। और यहाँ पे बोलते हैं ना आपको एकदम झारखंडी देसी खस्सी दम आपको मिलने वाला, साइज से आप पीस से आप देख सकते हैं, आपको बोलते हैं ना प्योर देसी खस्सी वाला स्वाद, वो आपको एकदम यहाँ पे एकदम मिलने वाला। और मसाले का जो खुशबू है ना वो काफी बेहतरीन समझ में आया, मतलब ऑलमोस्ट प्रॉपर जो बोलते हैं ना 2 घंटा लगातार मसाले को यहाँ पे एकदम भूंजा जाता है, बोलते हैं ना कोई कमी नहीं, और बढ़िया तरीके से इसकी जो खुशबू आ रही है ना काफी बेहतरीन खुशबू आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि ज्यादातर मसाला ये बोलते हैं ना वो घर का मसाला यूज करते हैं, और काफी स्वाद यहाँ का। अगर आप लोग भी मटन के दीवाने हैं, फिर से इसमें मटन डाला जा रहा है, पहला लोट जो था ना मटन का वो इसमें गया, और ये देखिए गजब तरीका से ग्रेवी, देखिए मटन का जो गहराई था वो देखिए ऊपर आने लग रहा है। और ये देखिए मटन फिर से दूसरा लौट जाना है इसमें फ्रेश फ्रेश एकदम, साइज चेक करें बोलते एकदम बड़ा बड़ा आपको एकदम यहाँ पे एकदम पीस खाने मिलने वाला। और ये देखिए यहाँ पे जो पहला पतीला था ना इसमें सारा जो मटन है वो इसमें डल चल गया है, और ये देखिए गजब तरीके से मिलाया और चलाया जा रहा है, और काफी बोलते हैं ना बल्क क्वांटिटी में, ये सिर्फ एक पतीला आपको खाते हैं एक पतीला। ये देखिए जो सारे मटन है वो एक पतीला जो बोलते हैं ना बड़े से कड़ाही, उसमें कड़ाही नहीं बोली, और लगभग सारा जो मटन है वो इस बड़े से दिग में चल गया, और अच्छे तरीके से ये देखिए इसको मिला दिया गया, चला दिया गया, और ये सिर्फ एक पतीला है आपको दिखाते चलिए। और यहाँ पे भी तैयारी चल रही है मसाले की, लगभग यहाँ पे ऑलमोस्ट मसाला जो है ना वो पूरा बेहतरीन तरीके से पक चुका है, खुशबू काफी बढ़िया बोल रहा है कि वो मुझे पक गया। उसमें भी थोड़ी देर बाद जो है ना मटन वो अब जाने वाला है, तो वेट करिए थोड़ी देर बाद।
और लगातार जो तीन जो यहाँ पे बड़ा सा देखे ना वो सारे में मसाला है वो अच्छे से पक चुका। और ये देखिए सबसे पहले जो इसमें चीज आ रही है ये देखिए चुस्ता, चुस्ता का दीवानी है यहाँ। चुस्ता यहाँ पसंद करते हैं लोग? बहुत पसंद करते हैं, यहाँ भी 12 बजे से पहले खत्म हो जाएगा चुस्ता। 12 बजे से पहले चुस्ता खत्म? तो लगभग कितना चुस्ता रहता है? चुस्ता बहुत है। कितना चुस्ता रहता है लगभग? चुस्ता कितना रहता है? 20-25 20-25 में चल चुस्ता रहता है। और वो भी 12 बजे के बाद खत्म? 12 बजे पहले खत्म। 12 बजे पहले खत्म? मतलब चुस्ता कितनी दीवानगी यहाँ पे रहता है कि 12 बजे से पहले ही 25 चुस्ता समझ सकते हैं आप वो यहाँ पे खत्म रहता है। अगर आप लोगों की चुस्ता की दीवानगी तो आपको पहले आइए और चुस्ता का लुत्फ उठाइए। काफी बढ़िया मसाले की जो खुशबू है वो मुझे एकदम ओरिजिनल, क्योंकि ओरिजिनल मसाले का जो स्वाद और रंगत एकदम कड़क और प्रॉपर होता है। फाइनली जो और 2 घंटे के बाद जो प्रॉपर जो इसका कलर आया ना एकदम जबरदस्त सा कलर है और ये एकदम बेहतरीन सा कलर आया। अलग है रेसिपी थोड़ा उनका क्योंकि ये तो खिलाते हैं ना ये देखिए और चुस्ता गया एक बड़ा सा चुस्ता, मतलब एक चुस्ता खाने की दीवानगी है यहाँ पे। और ये देखिए फ्रेश फ्रेश मटन इस बड़े से देग में पटका गया है गजब। और ये गया इसने एक और देग में मटन, देखिए मतलब सारा पीस यहाँ पे मिलेगा सारा पीस जो कस्टमर डिमांड करेगा मिलेगा? मिल जाएगा भैया। पीस देख रहे बहुत बड़ा बड़ा रख रहे हैं आप? बड़ा ही पीस आता है, पीस बहुत बड़ा बड़ा रखते हैं। लगभग हमको लगता है कि 100-150 ग्राम पारे होगा। हाँ 100 ग्राम कम से कम, कम से कम 100 ग्राम। और ये देखिए मसाले के छींटे मेरे हल्के से हाथ पे पड़े, हाँ गजब। और ये देखिए ये हो गया पूरा लॉट। ये देखिए अभी और जाएगा मटन, मतलब बोलते हैं पूरा मटन का एक समुंदर वाला, इसमें भी जाएगा और उसमें भी जाएगा और उसमें भी जाएगा, लगातार यहाँ पे मटन बनता है। हमारे यहाँ 12 बजे पहले चुस्ता 20-25 पीस खत्म हो जाता है। 20-25 पीस 12 बजे से पहले खत्म हो जाता है? 20 पीस मतलब दीवानगी चुस्ता का भी है यहाँ, बहुत दीवानगी। और ये देखिए फिर से ये तीसरा लौट गया मटन का और चुस्ता ये देखिए तैरता फैरता मतलब बीच में ठहर गया। ये खाना है तो पहले आना है क्योंकि ये चुस्ता का दीवानगी यहाँ काफी ज्यादा है। और ये देखिए मटन एकदम अच्छे से सरिया एकदम ये देखिए ग्रेवी में, और ये देखिए हल्का हल्का जो है ना मसाले में मटन घुल मिल रहा है। ये देखिए फिर गया मटन गजब। अगर आप लोग रांची में रह रहे हैं तो नहीं खाए करना होटल का मटन एक बार आइए और यहाँ पे स्वाद का मजा लीजिए और हमें बताइए कमेंट करके कैसा यहाँ का टेस्ट लगा। अगर पटना से दूर देख रहे या कहीं से भी देख रहे आप हमारी वीडियो तो एक बार आइए सन्ना होटल का मटन का लुत्फ उठाइए। ये देखिए एकदम भरपूर वाला टेस्ट और भरपूर वाला स्वाद आपको यहाँ पे एकदम मिलने वाला है। और एक चीज की खास है ना यहाँ पे आपको एकदम चार चार डेग बोलते ना एक साथ मटन की जो तैयारी है ना वो एकदम बनता है। और सबसे बड़ी बात है बनता है 11 बजे के बनता है मटन और 3 बजे तक वो सारा जो बड़ा बड़ा सा डेग दिख रहा है ना आपको ये सारा साफ हो जाता है। इतनी दीवानगी है। अगर आपको मटन खाना है तो पहले आना है और इसका लुत्फ उठाना है और कमेंट करके हमें बताना कैसे टेस्ट लगा और कैसा स्वाद लगा। रांची का एकदम नंबर वन है, काफी अच्छा टेस्ट है, शुक्रिया। और यहाँ पे देखिए गर्मा गर्म जो मटन है वो अच्छे से रेडी हो चुका है और ये देखिए एकदम गर्मा गर्म जो खुशबू है ना इसकी काफी बेहतरीन से आ रही है। और ये देखिए एकदम देसी स्टाइल में यहाँ पे और ये देखिए देसी झारखंडी स्टाइल में यहाँ पे लोगों के लिए सर्व किया जा रहा है। यहाँ पे हमारा जो मेन जो मटन है फेमस पूरे रांची का फेमस और खुशबू जो आ रही है ना इससे काफी बेजोड़ खुशबू। और ये देखिए क्या रोगन है, जबरदस्त रोगन है। और यहाँ पे ये देखिए और ये देखिए एकदम अनोखा तरीका से यहाँ पे सर्व किया जा रहा है लोगों के लिए। देखिए पत्तल कोई बात नहीं गिरी आपको खाने मिलने वाला पत्तल के देसी झारखंड स्टाइल वो आपको यहाँ पे खाने मिलने वाला।